एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी मैं चुके उठी हूँ, मॉर्निंग का समय है 9:45 कुछ तो भी हो रहा है। सो सोचा बहुत दिनों के आप लोग के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी, मैं ब्रश लेके खड़ी हूँ, आप लोग के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी तो सोचा आप लोग से बात कर लूँ। और आज है मेरा वीक ऑफ, एक्चुअली घर पे बैठे हैं गणपति, और मैंने लिया था एक्चुअली संडे का वीक ऑफ, क्योंकि सोचा था कि संडे को विसर्जन भी हो जाएगा प्लस कथा भी हो जाएगी, बट नहीं हो पाया, संडे को ऑफ नहीं मिल पाया, इस वजह से आज फ्राइडे ऑफ मिला हुआ है। सो अभी एक्चुअली ये था कि हम लोग सोच रहे थे अभी कि आज मेरा वीक ऑफ है तो हम लोग कर लेते हैं कथा, बट ऐसा है कि मतलब आज का दिन जो है वो बोलते हैं कि मतलब भगवान जी को निवेद्य नहीं चढ़ता है क्योंकि भगवान जी का आज फास्ट होता है। सो अब देखते हैं, पंडित जी से पूछते हैं कि क्या होता है और कथा कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो आज ही कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर हमें संडे को करना पड़ेगा। सो देखते हैं अभी आगे और क्या होता है। आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ। सो आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और आज का पूरा दिन कैसा जाता है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाय। सो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मतलब फ्रेश हो गई हूँ, और ये देखिए मेरे घर के गणपति, और फाइनली अभी कथा होने वाली है क्योंकि सबसे पूछ लिए है तो कर सकते हैं ऐसा बोले कथा, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि कल मैं आते आते ऑफिस से ही पूजे का सामान लेकर आ गई थी, मतलब कथे का जो सामान होता है नवग्रह का वो लेकर आ गई थी, तो सिर्फ फ्रूट्स नहीं मिला था मुझे, तो मैं अभी जा रही हूँ फ्रूट्स लेने के लिए। तो चलते हैं हम मार्केट। तो फ्रेंड्स, अभी बाल मेरे गीले थे तो मैं इसे थोड़ा सुखा लेती हूँ क्योंकि निकलना है मार्केट के लिए, तो बस बाल ऐसे ही गीले थे तो उसे झटक करी थी मैं, और झटकने के बाद जस्ट मुझे थोड़ा सा काम था मोबाइल में तो बस वही कर रही थी, और बस वही था, और फिर मैं निकल रही थी मार्केट के लिए। तो मैं अपना मास्क लेने गई थी और मास्क लेकर आती हूँ, लगाती हूँ, और फिर बाल गीले हैं तो हल्का सा क्लच लगा लूँगी क्योंकि बाल पूरे तो बांध नहीं सकते हैं, तो वैसे ही मैं निकल जाती हूँ मार्केट के लिए। एक्चुअली पूरा सामान मिल नहीं पाया था तो मैं वही लेने के लिए निकल रही थी, और सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है इसलिए। सो मैं मार्केट से आई, मार्केट से आके देखा तो पंडित जी आ चुके थे एंड वो अपनी तैयारी कर रहे थे सारी कथे की, और फिर मैं आती हूँ मार्केट से तो फ्रेश होती हूँ क्योंकि कथे में मुझे ही बैठना था, इसलिए मैं फ्रेश होकर आती हूँ और थोड़ी हेल्प कर रही थी पंडित जी के साथ में। देन सारा पूजा तो हो गया था अभी, तो अभी कथा में बैठ चुकी थी, कथे के 5 अध्याय कम्प्लीट हो गए थे, तो चल रहा था अभी हवन, हवन के लिए सारी तैयारी कर रहे। नम स्वाहा, ओम गजानाय नम स्वाहा, ओम गणेशाय नम स्वाहा, ओम गणेशाय। हवन हो गया था तो अभी करते हैं आरती की तैयारियां। अरे नरो दा आज करो मैं दिखती ओम जय जगदी। कथा पूरी हो चुकी थी, पूरी होने के बाद आरती हो गई थी, और आरती के बाद मैं सबको दे रही थी सारी आरती, फाइनली कथा पूरी हो गई थी। हानी हानी के चक्कर में वो हो ही गई आखिरकार, वो बोलते हैं ना जो होना रहता है वो हो ही जाता है। तो देखिए अभी यहाँ पे पूजा भी संपन्न हो गई थी, और फिर पंडित जी बोले आप धागा बंधवा लो, तो मैं धागा बंधवा रही थी उनके पास से, और फिर सभी फैमिली में सभी लोग मिल के धागा बंधाते हैं, तो वियान भी पहले नंबर पर आ गया था कि मोई मैं भी बांधूँगा धागा करके, तो फिर सब लोग एक एक करके धागा बांधते हैं, और से बहुत अच्छे तरीके से हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी अच्छे तरीके से। यहाँ चल रहे हैं निवेद की तैयारी। एक्चुअली आज ही था कि एकादशी थी, और सब लोग बोल रहे थे कि मतलब उपवास में उपवास रहता है भगवान जी का तो कैसे निवेद चढ़ाऊंगे करके, बट वही था कि सबसे पूछा है सबको
को पूछा, पंडित जी को पूछा कि आज कथा हो सकती है, नहीं हो सकती, तो बोले हाँ कर सकते हैं करके। तो फिर जस्ट वही हानि के चक्कर में पूजा स्टार्ट कर रहे थे। और आज था पूरा कार्ड, तो मैं थोड़ा सा कर रही थी नाश्ता और फिर लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैंने पूरा शूट तो नहीं किया है, खाने का मतलब पूरी रेसिपी के साथ शूट नहीं किया है, बस फटाफट बनाने का था, तो इसलिए मैं रैंडमली शूट करते जा रही थी। तो बस यही सब कुछ था। लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आज खाने में क्या बना था, मतलब निवेद में क्या चढ़ने वाला है। सो बस यही था। एक्चुअली होता है ना कि मतलब अपने पास 10 दिन के लिए 10 दिन के लिए गणपति आते हैं और इतनी सारी खुशियाँ देखे जाते हैं, और सच में ना जब देख रहे थे तो उतना गणेश जी का भी फेस बोलते ना एकदम छोटा सा हो जाता है, तो ऐसा हो गया था। तो खाना तो मेरा पूरा रेडी चला हो गया था। तो बस अभी शाम की आरती थी। एक्चुअली पूरे 7 दिन हो गए थे, 8 दिन हो गए थे, मैं आरती में नहीं रह पाई थी क्योंकि सुबह मम्मी आरती कर लेती थी और शाम को मेरे आने के पहले आरती हो जाती थी। तो आज की फाइनली आरती मुझे करने मिली थी घर की। तो बस वही शाम की आरती हम लोग करते हैं, और शाम की आरती करने के बाद जो निवेद निकाला था वो सारा मैं रेडी करती हूँ, क्योंकि खाना पूरा बन चुका था। मम्मी बोले रुक जाओ आरती कर लेते, देन उसके बाद गर्मा गर्म भजिया निकाल लेना। तो बस मैं वही कर रही थी अभी। और ये देखिए मेरा पूरा डेकोरेशन, इसके पहले भी मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था, और अभी की वीडियो देखिए कितना भरा भरा सा हो जाता है। मतलब 10 दिन में ऐसा लगता है कि पूरे भगवान जी यानी अपने साथ ही है, वैसे तो हमेशा ही रहते हैं, बट अभी देखिए कितना भरा भरा सा लगता है, एकदम से एकदम रौनक रहती है 10 दिन तक। और गणपति का फेस भी देखिए एकदम छोटा सा हो चुका था। तो बोलते हैं ना जितनी खुशियाँ देते हैं उतना, मतलब जब विसर्जन की बारी आती है तब एकदम उदास सा लगता है, बट कोई नहीं, आज बहुत अच्छे तरीके से पूजा हो गई थी, अच्छे तरीके से सब कुछ निपट गया था फाइनली। मतलब सुबह से लेके मेरा रात तक का दिन कुछ इस तरीके का था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ऐसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखा मैंने आज पूरा निवेद क्या क्या बनाया था, पूरी रोटी, पापड़, भजिया, छोले, आलू की सब्जी थी, जरा राइस था, कढ़ी थी और पापड़ था, ये सब कुछ चीज़ें बनाए हुआ था मैंने। तो चलिए अब चलते, हमने गणेश जी को निवेद लगा दिया था और हम लोग का भी आज सुबह से फास्ट था, क्योंकि जिस दिन कथा होती है उस दिन हम लोग फास्ट रखते हैं। तो देखिए सारा ये रेडी था। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय साई राम, गणपति बाप्पा मोरया।